लो साहब कांग्रेस कने ठिकाना नहीं, भाजपा दूजी लिस्ट पे आएगी। कांग्रेस में हाल तक चली रही मंथन भाजपा आएगी मैदान में धड़ाधन। बुधवार ने गुरुवार दिल्ली में भाजपा वाला उनकी केंद्रीय समिति की बैठक हुई है। छलनी से निकली की आई सूचना ये आई है कि दो दंड का मंथन में पाछा 39 नाम उन तय हो गया। उज्जैन जिला वाली बड़नगर ने नागदा खचरौद वाली सीट पे भी दो दंड की बैठक में मंथन हुए। बड़नगर में जितेंद्र पंड्या जी, मुकेश पंड्या जी, संजय अन्ना, इनका तीन का नाम टॉप पे चढ़ी दिया। दूसरी सीट नागदा खचरौद वाली पे पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत, तेज बहादुर सिंह जी, इनका दोई का नाम चली दिया था। देखा ऊंट कणी करवट बैठे। पर हाँ, हाल की सूचना तो यह है कि उत्तर ने दक्षिण हाल तक उलझा पड़ा है। भाजपा जुड़े लोग तो यूं तक बताई रहा कि एक दो दंड मैच कम से कम दो विधानसभा तय हो जाएगा। उज्जैन शहर का मां चोटा उठाई गिरा उन भी कजा कई गाजर घास हरी का हुई गया। कल अवेरे त्रिमूर्ति टाकेज वाली सेठानी जी ठगाई की थी। रात भाट गली में एक और बैंड की सोना चैन झपटेगी। उत्तापा आया मस्तिम चैन लूटिन गटर गस्ती में एटलस चोराया होता हुआ पतली गलीस निकली गया। सिंहपुरी वाली बहन लक्ष्मी शर्मा संभागी पेंशन वाला ऑफिस में नौकरी करे। रात चामुंडा माता आड़ी से भाट गली होता हुआ लक्ष्मी शर्मा जी स्कूटी चढ़ाई के सिंहपुरी आड़ी जा रही थी। भाट गली कने दो जना पीछे से आया, एक गाड़ी चला तो रही और दूजन पीछे झपट्टा मारी निकली भाग्या। ऐसी कोई घटना हो तो पुलिस को एक कच काम, सबका पेड़ा एरा मेरा लग गया कैमरा उन टटोले। बस अभी भी यूज कर ही रहा, कल से कैमरा उन टटोलवा में भिड़िया है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भाट गली में एक घटना भी प्रकाश में आई है, जिसमें जिसके तहत एक महिला जो कि शायद ट्रेजरी में नौकरी करती है, वो अपने घर के लिए जा रही थी तो कोई लड़के ने उनके गले में पहनी हुई चैन छीन के भाग गए हैं। इसके संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी कैमरे देख रही है और जो भी हमें फुटेज मिले हैं उनके आधार पर क्षेत्रीय जनों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आवेदिका से भी उसकी तस्दीक करवा रही है। जल्द ही संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा और आगामी जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। मांकल रजक दरबार में रोड डली कोई न कोई ऐसा आदमी ढोक देवाना आए सही जी को समीचार बनी जाए। दाढ़ी वाला है ना छह पीटे भाई साहब के देखी रहे हो थम, यूं नहीं पचन पाओगा। इनको जरा यो वीडियो देख लो, आएगी समझ में। ये है सौरभ गुर्जर जी WWE वाला पहलवान। अमेरिका का एरिना में भी माथा त्रिपुण लगाई के मंकाल को जयकारो लगाए। भाई पिक्चर उनमें भी आए, पक्का सना तो नहीं है। रेसलिंग वाला एरिना में भी जाए तो गला में रुद्राक्ष नहीं क्या है। इनने गुरुवार दफोर उज्जैन के मंकाल रजक दरबार में ढोक लगाई। जी मैं सौरभ गुर्जर, आपने मुझे महाभारत में भीम और अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर हूं मैं। अभी सीधा अमेरिका से आने के बाद यहाँ मुझे महाकाल के दर्शन करने आ रहे थे जो मैं यहाँ आया। अद्भुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महाकाल के दर्शन करने के बाद। और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं इस पूरे प्रांगण में मैनेजमेंट के द्वारा की गई है, हर एक श्रद्धालु को महाकाल के दर्शन करने का मौका मिल रहा है, मैं तो धन्य हो गया आके। और हमेशा उम्मीद करूंगा कि बाबा मुझे बुलाएं और मैं यहाँ आऊं और उज्जैन की इस पावन नगरी में ऐसी आता रहूं। अपन हमेशा नहीं कहता ना, माधव नगर को जबरो अखाड़ो विश्वविद्यालय वालों बाड़ो। ज्ञान का मंदिर से डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, वकील निकले, वैज्ञानिक निकले, विक्रम वाला विश्वविद्यालय नेता पैदा कर निकाले। हर दूजा दंड यहाँ का धरना गेट पे कहीं ना कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो सही। गुरुवार छोटी कांग्रेस मने NSUI वाला भयुन ने भी यहाँ कसरत दिखाई दी। भाई उनको कहना पड़ी रही हो कि विक्रम विश्वविद्यालय का माए हर साल मेंटेनेंस वालों लाखों करोड़ों बजट रहे, एक भी विभाग में मेंटेनेंस नहीं हो रही हो, कहाँ गया रुपया। किराए पर अतिथि वाला मार्ट साहब उन के सरकार ने हटाई दिया था, फिर भी इनके यहाँ दरिक तनख्वाह काय वास्ते बांटी रहा। तीजो मुद्दों यो के सुरक्षा वाली 7 पोस्ट उन मंजूर है, पर सुरक्षा करवा वालों एक भी निके नहीं आए। और भी दूजा मुद्दा उन था, NSUI वाला भाई तरुण गिरी ने इनकी टीम ने इन मुद्दा उन पर जम के बवाल काट्यो। कुलपति जी था तो था ही नहीं, शैलेंद्र शर्मा साहब के ज्ञापन टिकाई गया। लाखों रुपए के बिल पास होते हैं, सब खर्चा छोटी है, सब मिलके करते हैं। तो ये यहाँ पे विश्वविद्यालय कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी का है या कोई संगठन का है? हमारा सिर्फ 6-7 मांगे थी। एक तो रमाबाई जो छात्रावास है, उस रमाबाई छात्रावास के अंदर कब्जा हुआ है। हमारी जो बहनें वो एक रूम के अंदर 4-4 5-5 बहनें रह रही हैं।
आज अगर देखा जाए तो वो भी तो पैसा भर रहे हैं। आपने दूसरे किन लोगों को जो हॉस्टल दे रखा है, बात की एक महीने के, आज डेढ़ साल से ऊपर हो गया हॉस्टल खाली नहीं हो रहा है। उसके बाद देखें तो टेंडर निकालते एक साल के लिए, पांच पांच छह छह साल तक टेंडर चला रहे। ये बात होती है 1 करोड़ के टेंडर की और बिल पास हो रहे पांच पांच छह छह करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ रुपए के बिल पास करे इन लोगों ने। हमने बहुत सी बार इन लोगों को बोला कि भैया इनका आप जांच करो। आखा प्रदेश में सरकार वाला प्रचारित कर रहा कि शिवराज मामा जी जत्सम अंकाल में पूजन करवाना है, सगड़ा मामला ठीक हुई गया। अबे इनके कुंड बताए कि जो मरी जाए वो पाछो लोटिक कदी नहीं आए। सोयाबीन भी जो जानी थी वह गई रहे दादा। अबे पानी कितरो बरसी जाए किसान उनका चेहरा रोनक लोटी के नहीं आए। सोयाबीन वाला मामला लेके भारतीय किसान संघ वाला भाई उन पाछा कलेक्टर का ऑफिस पहुंची गया। जिला वाला अध्यक्ष दशरथ पंड्या जी, तहसील वाला अध्यक्ष मान सिंह जी पटेल साहब गोंदिया, इनने न दूजा भाई उनने कोठी पहुंची कहने एडीएम के ज्ञापन दियो। इनको कहना पड़ी रही हो कि सोयाबीन की फसल खराब हुई, हम दो दो बार थमारा दरवाजा पे आया पर थमारा पटवारी अभी तक खेत उन में नहीं आया। दूजो मुद्दो उच लेकोड़ा सोसाइटी वालों जी का समाचार अपन दो दिन से दिखाई नहीं। वर्षा की लंबी खेच के कारण किसान की टोटल सोयाबीन सूख चुकी है, उसे बीज भी नहीं निकलने की स्थिति में है, उसकी लागत नहीं निकलती है। और जिला प्रशासन को हमने एक हफ्ते पहले अवगत कराया था, आज दिनांक तक उन्होंने खेत में आके देखा नहीं, एसी में सोए हुए हैं। ऐसे में हमने किसानों को एकत्रित करके हमने इनको कुंभकर्ण की निन सोए हुए अधिकारी को जगाया है। आज दूसरा लेकोड़ा जो सोसाइटी में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो वहाँ के संस्थापक हैं सेक्रेटरी, उसने 5 से 7 करोड़ का गबन किया और किसानों को मौत के घाट उतार दिया उसने। हम चाहते हैं कि भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि उसकी चल अचल संपत्ति को प्रशासन कब्जे में ले और किसान का पैसा तुरंत लौटाए। नाना खेड़ा वाली शांति पैलेस होटल का बुरा दंड भी आगे खत्म हुआ का नाम ही नहीं ले रहा। पहला सालों तक निचली कोर्ट से लेकर दिल्ली तक केस चलियो, फिर होटल टूटेगी, बाग बगीचा भी उजाड़ हुई गया, खाली बची थी तो जमीन ने होटल को मलबो। गुरुवार जीएसटी वाला उनने वीपे भी कुर्की चिपकाई दी। मोदी जी वाली जीएसटी टीम मैंने सेंट्रल वाली जीएसटी ने गुरुवार दोपहर शांति पैलेस होटल का गेट कड़े नोटिस उन चिपकाई दिया। यानी होटल में कोई 3.25 करोड़ रुपया टैक्स बकाया चली रहो। अबे होटल वाला मालिक उनके 1 महीना की मोहलत दी है, नोटिस है बकाया टैक्स जमा कराओ नहीं तो जमीन भूली जाओ। समंदर का तूफान में भी जो कदीन छोड़े आस वही चीज को नाम है शेखर श्रीवास, कहीं ना कहीं हल निकाल तो जाएगा सही। यहाँ पर ये शांति पैलेस रिसोर्ट और होटल जो हैं उसके 2018 से हमारे कुछ ड्यूज पेंडिंग थे और फाइनेंस एक्ट के हिसाब से उन पर रिकवरी बनती थी। 2018 से लेकर 19 में भी एक ऑर्डर निकला था जिसके अंदर उनको ये रिकवरी बनाना था और उसके बाद काफ़ी परसुएशन, काफ़ी लेटर लिखे गए, काफ़ी नोटिसेस दी गई हैं लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो पुराने एक्ट का बकाया राशि रहता है हमारे पास उसको वसूल करने का जीएसटी में प्रावधान है, उसके तहत हम लोगों ने सेक्शन 142(8) ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 उसके तहत हम आज उस प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर इनको समय दिया जाएगा जिसके अंदर वो अगर अपना बकाया राशि भर देते हैं तो इसको हम रिलीज़ कर देंगे, अदरवाइज़ इसकी ऑक्शन की कार्यवाही की जाएगी। आप जरा इनसे मिली ना भावी वकील साहब, उन कालो कोट मिलेगा जब भले चोटा इनसे चमके, हाल तो चपत लगाई गया। गायदन नागजीरी आड़ी की वकालत की पढ़ाई करवा वाला कॉलेज में चोटा उन 5 का साथ चोट भरी गया। परीक्षा देवान पहुंचा कल का 5 वकील साहब उनकी डिक्की में धरिया मोबाइल उन तड़ी गया। गुरुवार दफोड़ सगड़ा नागजीरी थाना पहुंचा, वहां पुलिस की शिकायत करी, कॉलेज वाली मैडम कब माथे आया सुरक्षा बढ़ाओ। LLB चतुर्थ सेमेस्टर के पिछले प्रश्न पत्र में लगभग 5 मोबाइल बाहर खड़ी परीक्षा दे रहे छात्राओं की स्कूटी में से चोरी हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट छात्राएं द्वारा नागजीरी थाने में भी करवाई गई है। पश्चात इस संज्ञान में हमारे पास कल मामला सामने आया है। हमने शासकीय विधि महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष और प्राचार्य महोदय अरुणा सेट्ठी मैडम को नाम ज्ञापन देते हुए यह सूचित किया गया कि इस प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रशासन से मांग की, उचित पुलिस व्यवस्था बनाए रखें।
नायता पटेल समाज वाला सगला भाई मिली के समाज को नाम करवा वाली प्रतिभा उनको सम्मान समारोह धरी दिया। पढ़े लिखे में, राजनीति में, कारोबार में, खेल में, दूजा क्षेत्र में जितना समाज वाला उनने भला काम करिया उनको सबको आयोजन में सम्मान होएगा। 16 सितंबर मने शनिवार अवेर को 11 बजे कालिदास अकादमिक माए यो सम्मान हुआ वालो कालद मेल वाला हमारा भाई असलम पटेल ने यह जानकारी हमारे तक पहुँचाई है। देवास जिला का बगाना से एक भाई ने हमारे अपना गांव की सड़क का वीडियो उन पहुंचाया। जी भाई ने वीडियो उन पहुंचाया, उन्हें कजा कितनी बार फोन भी ठोकी दिया, हक से कहे दादा वीडियो दिखाना जरूरी है। ले भाई वो रोड तो नहीं बनाई सकूं पर जिम्मेदार उनके दिखाई जरूर सकूं, दिखाई सकूं कि कड़ी तरीका से बगाना की बच्चियां उन कीचड़ में सड़ी के स्कूल तक जा रही है, कड़ी तरीका से 1.5 किलोमीटर की सड़क तक नहीं बनी पा रही है, कड़ी तरीका से आखा गांव वाला हुई रहा परेशान, सब के निगे आई रही पर जिम्मेदार बनी रहा अनजान। एसोज एक वीडियो उज्जैन तहसील वाला कोकला खेड़ी गांव से भी आयो। उज्जैन शहर से 10 किलोमीटर दूर है यो गांव। हाल ऐसा जने बाबा आदम का जमाना गांव होए, सड़क एक कीचड़ कहीं उज नहीं पड़े। ये वीडियो भाई दिलीप सिंह जी सिसोदिया ने हमारे भेजा है। तराना कहने का रूपा खेड़ी गांव से भाई अजय बनाना हमारे कई वीडियो उन भेजिया। यहाँ करनी सेना वाला भाई उन जोरदार काम करियो, सड़क किनारे चलती गाड़ियां उनमें कुचाई के गाय उन खत्म हुई जाए, भाई ने वो आइडिया ले आया। इनने गाय उनको सिंह पे रेडियम वाली पट्टी उन चिपकाई दी। अबे इना क्षेत्र की सगड़ी गाय उन ऐसी निगे आएगा जैसे वो बाहुबली पिक्चर में सीन नहीं तो सगड़ा बेल उनका सिंह से आग निकली रही थी, यहाँ गाय उनका सिंह से चमक निकलेगा। देखिए भाई साहब गाड़ियाँ रोड पे निकलती रहती है रोज, तो गाय परेशान होती है और बीच में बैठी रहती है, तो हमने आज 10-12 गाय को रेडियम पट्टी लगाई थी। इससे क्या फायदा होगा भाई साहब? इससे फायदा यह होगा कि रात में कभी गाड़ी आ रही हो लाइट पड़ेगी तो ये रेडियम पट्टी गाय को दिखेगी।